ज्ञान विद्याम दशाम जन सराज्ञा चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय स्वदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरि। वृंदाय तुलसीदेवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रज देवी सत्यव्रतये नमो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रियाद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म मिथिलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्री श्रीमान भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म मिथिलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्री श्रीनिवास भक्तिवेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी का मैं यथाशीघ्र प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग गतकल्य श्रवण कर रहे थे। श्री प्रभुपाद कहते हैं संख्या निर्बंध रख्या उच्च स्वर हरिनाम कर ले अनर्थ निवृत्ति हरि। कल भगवान का नाम कैसे करनी चाहिए? कहते निर्बंध कर लिया मतलब संख्या रख करके हरिनाम करनी चाहिए। और कैसे? भले उच्च स्वर में जैसे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पहले कभी कभी श्री गौर किशोरदास रवाज महाराज कभी कभी जैसे कभी पायखाना को अंदर में बैठ करके हरिनाम करते उसको अंदर में बैठ करके और इतने जोर से चिल्ला चिल्ला कर करते थे जैसे गला फट जाएगा और खून निकल आएगा। इतने जोर जोर से हरिनाम करते कहते उनके हरिनाम का इतना प्रभाव था कि जिस पायखाना का अंदर कभी कभी बैठ कर हरिनाम करते थे कहते उसी ईंट से भी कभी कभी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। ईंट से भी कभी कभी हरिनाम नाम निकलता ऐसे उनकी प्रभाव का श्री गौर कुशलदास स्वामी महाराज का। इसलिए कहते कुछ स्वर का हरिनाम क्यों करें? बोले कारण ही हरिनाम करते समय नींद आ जाती है। कुछ स्वर से हरिनाम करेंगे कहते क्या होता है उससे जो चाट जो जड़ता चली जाती है और उसमें बड़े जल्दी अनर्थ निवृत्ति बड़े जल्दी होती है। यमन की हरि विमुख गण आर विद्रुप करते परिवना कहते उच्च स्वर हरिनाम करने पर जो हरि विमुख जो लोग हैं कभी कभी वो विद्रुप कभी हमारी परेशानी करते हैं कहते वो भी कोई परेशानी नहीं कर सकते। जिन्हें कहते प्रभुपाद कहिए 11 नंबर का उपदेश है। 13 नंबर का उपदेश क्या है? बोले संबंध ज्ञान सहित हरिनाम कर ले
कौन विषय अपनार कौन अनिष्ट करते पारी बहना कहते हरिनाम कैसे करनी चाहिए भले संबंध ज्ञान के साथ। इसलिए संबंध ज्ञान नहीं होने पर फिर जो हरिनाम है वो हरिनाम सही है। इसलिए हमारी पहले इसके गुरुदेव पहले बोलते थे पहले अपना लक्ष्य बनाओ, तुम्हारी साधना भजन करने का लक्ष्य क्या है। अगर आपको लक्ष्य सही हो जाएगा फिर तो भले ही जितना दिन में आप वहाँ पर पहुँचे। जैसे कोई बच्चा इंजीनियर डॉक्टर करता है डॉक्टरी करता है वो 10 साल 5 साल पहले लक्ष्य बना लेता है, एक दिन में जाकर इंजीनियर बनूंगा डॉक्टर बनूंगा, फिर उसको लक्ष्य करके क्या करता है फिर वैसे वो साधन भजन करता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि जो हरिनाम कहते हैं संबंध ज्ञान को साथ में हरिनाम करनी चाहिए, क्योंकि संबंध ज्ञान नहीं होने से आप जीवन में क्या चाहते हो तुम्हारी लक्ष्य क्या है कभी अगर ये चीज़ हमारी स्थिर नहीं रहता है, लक्ष्य हमारी स्थिर नहीं रहता है। इसलिए अभी कृष्ण को रस तो 5 तरह का रस है, तो हम कौन सा रस को प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए हमारे श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने श्री जीव गोस्वामी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी गोपाल गुरु इन लोगों ने हरिनाम का जो गुरुदेव जो ग्रंथ निकाले गुरुदेव जो ग्रंथ निकाले हरिनाम महिमा ग्रंथ है हरिनाम महिमा, उसमें आप पढ़ करके देखो उसमें जितने हमारे गोस्वामी हैं वो केवल एक लक्ष्य रखता है। एक लक्ष्य क्या है, लक्ष्य है जो हरे कृष्ण महामंत्र राधा कृष्ण का ही नाम है हमें एक दिन राधा रानी के अनुगत में श्री जिनकी निकुंज की सेवा हमें प्राप्त है। उन्हें केवल ब्रजवासियों की अनुगत्य में तदानुरागी जनानुगामी कालम नयत अखिल उपदेश सार। इसलिए कहते किसकी अनुगत्य में भजन करनी चाहिए कहते ब्रजवासियों का जो रागात पूजा जो करते हैं उन्हीं के अनुगत्य में केवल ब्रज की और राधा कृष्ण की जुगल की जो सेवा है हमारे एक लक्ष्य है और रूप गोस्वामी की अनुगत्य में। इसलिए कहते आददानम स्त्रीनम दत्तई इदम जाचे पुनः पुनः श्रीमाद रूप पदाम भोज धुलिसात जन्म जन्मनी। कहते हमारे लक्ष्य क्या है बलिदान चरिता को लेकर के गले में गलबहियाँ डाल करके पुनः पुनः एक ही चीज प्रार्थना करते हैं तब से रूप गोस्वामी की चरण की एक भूल हम कर पाए। इसलिए कहते संबंध अगर हो ना तो यहाँ पर कहते हैं संबंध ज्ञान के सहित हरिनाम कर ले कौन विषय अपना कौन अनिष्ट करते पारी बहना, तो कोई विषय आपका अनिष्ट नहीं कर सकता है। इसलिए संबंध ज्ञान को साथ में होना चाहिए, क्योंकि जो हरिनाम है कहते नाम चिंता मणि कृष्ण चैतन्य नाम चिंता मणि, अभी आप जैसे मारो तो वैसे मिलेगा। इसलिए गुरुदेव उदाहरण देते हैं जैसे भक्तिलता है कहते भक्तिलता अभी भक्तिलता नहीं गुरुदेव कहते अगर उसमें अगर नमकीन पानी डालोगे फिर क्या होगा बहुत गड़बड़ी है, लेकिन अगर उसमें मीठा पानी डालो फिर अगर उसमें मीठा पानी में थोड़ी सी मिश्री मिला दो थोड़ी सी उसमें नींबू डाल दो सब आपके पास और टेस्ट हो जाए। गुरुदेव इसका मतलब कहते हैं कहते ये हरिनाम तो चिंता नहीं, अब देखना एक हरिनाम को एक ज्ञानी भी करता है एक योगी भी करता है एक कर्मी भी करता है एक भोगी भी करता है सबके सब तो हरिनाम कर रहे हैं सभी हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, लेकिन अभी तात्पर्य है अभी इनकी लक्ष्य क्या ये चाहते हैं कि हरिनाम करके ये क्या चाहते हैं। इसलिए कहते हैं अकाम सर्वकाम काम उदारधी दिप्रेण भक्ति योगे न जय कि भगवान का नाम सबको इच्छा पूरी करते हैं जो जिस रूप में ये हरिनाम करेंगे उसको हरिनाम वैसे फल देंगे। इसलिए अगर हम संबंध ज्ञान को साथ में अगर हमारी गुरु परंपरा के अनुगत में अगर ये हरिनाम करें तो फिर ये हरिनाम हमें प्रेम प्रदान करेंगे, नहीं तो हमें करेंगे हरिनाम
हमें ठाल दे। इसलिए कहते हैं ना, भुक्ति मुक्ति देख प्रभु भक्ति राखे लुकाई। भगवान तो भुक्ति मुक्ति आसानी से दे देते हैं, लेकिन भक्ति को छुपा करके रखते हैं, भक्ति को सहज में देना नहीं चाहते। क्यों? भक्ति देने से भगवान को उनको भसता स्वीकार करना पड़ेगा, उनकी वशीभूत होना पड़ेगा। इसलिए हरिनाम कैसे करने चाहिए, संबंध ज्ञान के साथ में हमारी गुरु परंपरा जैसे हरिनाम किया है, जिस काम के लिए इन लोगों ने हरिनाम किया है, हमें भी उसी आनुगत्य में करेंगे तो फिर हमें ये ब्रज प्रेम प्राप्त होगा। जो तेरहवा नंबर उपदेश है ना, साक्षात भगवान केवल सांसारिक चक्के भगवान नाम को भगवान प्रत्येक बोध है। मुक्त पुरुषगण श्री नाम ही भगवान जाने। तेरह नंबर उपदेश में कहते हैं यदि जो भगवान का नाम है, यदि साक्षात भगवान है और केवल सांसारिक चक्के भगवान के नाम और भगवान के पृथक बोध है, कभी ये साधारण रूप में क्या दिखता है, भगवान का नाम और भगवान ही अलग है, केवल साधारण रूप में दिखता है। लेकिन मुक्त पुरुषगण कभी श्री नाम को ही भगवान जानते हैं, है? नाम ही ये भगवान। इसलिए बोले अभिन्नत्वात् नाम नामिनी, भगवान का नाम और नाम में कोई भेद नहीं, बल्कि यहाँ तक बताए हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। इसलिए बल्कि बताए भगवान से बढ़कर भगवान की नाम। इसलिए एक समय अभी श्री नारद जी ब्रह्मा जी के पास में बोले, पिताजी सब कहते हैं भगवान भगवान का नाम नहीं है, हमें कोई प्रमाण प्रमाण दे करके समझा सकते हो? तो ब्रह्मा जी ने कहा देख बेटा, भगवान हरि अनंत हरि तथा अनंत, अभी भगवान का नाम की कौन महिमा बता सकता है, हरि से बढ़कर इनका नाम, ये चतुर्मुख से मैं कितने प्रभु की नाम की महिमा बताऊँ। बोले कौन बताएगा? बोले शंकर जी के पास में, शंकर जी के पास में गए। बोले पंचम के राम नाम खान पुराए, कहते मैं पंचम से भगवान का नाम कीर्तन करता रहता हूँ, लेकिन अभी तक विश्व को उठा नहीं पाया। बोले फिर कौन बोल सकता है? बोले मेरे गुरु जी के पास में गए। उनको गुरु जी कौन है? अनंत श्री अनंत देव। जब अनंत देव के पास में गए तब उन्होंने अनंत देव से प्रश्न किया, बोले आप कृपा करके भगवान और भगवान के नाम में अभिन्न नहीं, कोई मेरे को प्रमाण करा के दिखा। बोले भैया मैं अनंत प्रभु का नाम अनंत देव में हूँ, अनंत मुँह में अनंत कथाओं को वर्णन करते 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 जा रहा हूँ, लेकिन अभी तक भी उनके नाम की महिमा की गुण का कोई था ही। इसलिए मैं कहा नाम की महिमा बता सकता, भले इसकी महिमा कौन बताएगा? भले एक व्यक्ति बताएगा। भले कौन बताएगा? भले श्री धर्मराज, धर्म के राजा है, तराजू में नाप करके, हाँ पाप पुण्य में जो तराजू में नाप करके सही सही जो फल प्रदान करते हैं, यदि ये धर्मराज है, धर्मराज बताए। अभी धर्मराज के पास में धर्मराज ने कहा देखो एक काम करो, यहाँ पर चार दरवाजा है, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण, तुम दक्षिण दरवाजा में चले जाओ, दक्षिण दरवाजा में चले जाओ, फिर तो तुमको भगवान और भगवान के नाम में एक ही प्रमाण पर पता चलेगा। वहाँ पर जब गए देखा दक्षिण दरवाजा में जितने पापी है ना, ये पाप जो पाप होकर के वहाँ पर 84 कुंड है, जो जैसे कर्म किया उसको वैसे दंड दी जा रहे हैं, किसकी आँख को निकाल रहे हैं जो उल्टा उल्टा गंदी गंदी चीज को देखता है, किसकी जीवा काट रहे हैं जो झूठ बोल रहे थे, और जो शराब पीते हैं उनको लोहे गला करके मुंह में डाल रहे थे, जो इन्हीं हाथों से हेर फेर करते थे उनका अंगूल कट रहे थे,
जो अवैध रूप में स्त्री संग कर रहे थे उनको तो एकदम लड़की को कहते एकदम आग जैसे एकदम गर्म करके उसको आलिंगन करा रहे थे। उन्होंने ये सब चीज को देख कर ना कांप उठे। इतने में जोर जोर से बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जोर जोर जब भगवान के नाम कीर्तन किया वहाँ पर जितने नरक में पापी लोग पाप होकर रहे थे ना उनको कानों में जब ये नाम पढ़ा नाम पढ़ते सबके सब कुंडली खाली कुंडल पूरा पूरा खाली सब बैकुंठ चले गए। इतने में श्री जब महाराज बोले नारद जी को बोले अभी प्रमाण मिला कि नहीं बोले क्या प्रमाण है बोले आप भगवान का नाम लिया है ना भगवान का नाम लेते ही पापियों को कार में पढ़ते सारे को सारे पापी मुक्त होकर के बैकुंठ चले गए। इसलिए भगवान पर भगवान का नाम में कोई फर्क नहीं बल्कि हरि से बड़ा हरि का नाम है। इसलिए कहते जो मुक्त पुरुष का नाम भी भगवान जाने लेकिन कहते जो बद्धा अवस्था में अभी जैसे हम लोग का अवस्था है कहते ये अवस्था में हम सुना है भगवान और भगवान का नाम कोई फर्क नहीं हमने सुना है जानते हैं लेकिन अभी हमें पूर्ण रूप में ये बात हमें पूर्ण रूप में ये चीज हमारे विश्वास नहीं क्योंकि जब शुद्ध हरि नाम करेंगे शुद्ध हरि नाम करते समय है तो उसी समय में ही हमें पता चलेगा भगवान और भगवान के नाम में कैसे फर्क नहीं उसी समय पता चलेगा। इसलिए भक्तिमन ठाकुर कहते हैं ना जय जय हरि नामा चिदानंद अमृत धाम पर तत्व निज जन कृपा करी नाम रूपे अब करी जीव दया करी जन कृपा करी नाम रूप अब करी जीव दया भगवान अपना जीव को कृपा करने के लिए भगवान स्वयं इसी नाम रूप में जीव कल्याण करने के लिए श्री नाम रूप भगवान आए हैं। इसलिए साधारण संसार के चक्र में जितने भी दिखता है भगवान और भगवान नाम में वो अलग है कभी नहीं जब साधन भजन करते 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 जब हमारी स्थिति थोड़ा ऊँची हो जाएगी ना फिर हमें जब अपने आप अनर्थ दूर होने लग जाएगी फिर धीरे धीरे पता चलेगा भगवान के नाम और भगवान में कोई फर्क नहीं भगवान भगवान नाम एक ही वस्तु है। इसलिए उनका जो 14 नंबर उपदेश है वो एक ही बात कहते बोले नाम व नामी अभिन्न वस्तु कहते भगवान का नाम और भगवान कृष्ण कहते ये कोई अलग वस्तु नहीं और एक ही वस्तु है और एक ही वस्तु है। कहते उनका जो 15 नंबर जो उपदेश है प्लस शास्त्र श्रवण पठन वो तद विषय तो अनुसरण द्वारा नामेर स्वरूप उदित है। कहते जो नाम साक्षात भगवान कृष्ण हैं व भगवान अभिन्न हैं। अभी ये चीज पता कैसे चलेगा यदि ये चीज हमें पता कैसे चलेगा बोले पता तभी चलेगा अभी हमें क्या करना पड़ेगा बोले भगवान की कथा सुनना पड़ेगा शास्त्र पठन पाठन करना पड़ेगा कहते भक्ति का अंग को अनुसरण करना पड़ेगा और बड़े हैं कहते बड़े सावधान पूर्वक कहते हैं तद विषय का अनुशीलन द्वारा जो नाम की जो अनुशीलन करना पड़ेगा अनुशीलन करना पड़ेगा क्या होगा
कहते जो नाम का जो स्वरूप है वो अपने आप नाम स्वरूप हो गया। इसलिए एकादश स्कंध में बताए एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कृत्वा जाता अनुराग दुर्गची उच्च असत्य रोद। इसमें कह रहे हैं एवं व्रतः, जीवन में हमें व्रत क्या रखनी चाहिए। व्रत मतलब हम कहते हैं व्रत रखा है उस चीज को करने के लिए, जैसे व्रत लेते हैं ना, कहते एवं व्रतः। जीवन में क्या करो, बोले जीवन व्रत लो। बोले किस चीज के व्रत, बोले स्वप्रिय नाम कृत्वा, बोले अपना जो प्रिय नाम है, बोले हमारे संप्रदाय का अपना प्रिय नाम श्री हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हमारे प्रिय नाम है। एवं व्रत स्वप्रिय नाम कृत्वा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, नाम करते करते क्या होगा, बोले जाता अनुराग, धीरे धीरे नाम का प्रति अनुराग हो, तो अनुराग होगा जाता दुर्ग चीत उच्च। उसी समय में हरि नाम लेते ही, जैसे अभी हरि नाम लेने का क्या होता है, हमारे हृदय द्रवित नहीं होता, हृदय विभक्ता नहीं, आंखों से आंसू नहीं गिरती, लेकिन जब नाम में रुचि हो जाएगा ना, क्या होगा, बोले नयनम गलदस्त धारया बदनम गदगद हृदया गिरा अगर भगवान का नाम लेकर के अगर ये रोमांच आंखों से आंसू नहीं आती है, फिर क्या समझनी चाहिए, बहुत अपराध की है। अच्छा ये अपराध प्रचुर ताहित कृष्ण नाम विजय नाही अंकु, जरूर हमारी कहीं ना कहीं अपराध हो रही है, जिस वजह से हरि नाम लेकर के आंखों से आंसू हमारी नहीं बहती है, नहीं बहती है। इसलिए क्या कहते हैं, कहते शास्त्र श्रवण पठन एवं तत् विषय को अनुसरण करने पर क्या होगा, तो नाम मेरे स्वरूप उदित है, कर किया तब क्या होगा, सुख जाता अनुराग द्रुत चीत उच्च, फिर हसत फिर भगवान की लीला अपने आप हृदय में प्रकट होने लग जाएगी। लीला देख कर कभी हंसेगा, कभी रोएगा, कभी नाचना लग जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ धीरे 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 चीज अपने आप होती जाएगी। यदि ये 15 नंबर उपदेश है, 16 नंबर उपदेश, बल इंद्रिय तर्पणमय कीर्तन हरि कीर्तन नाम, केवल सुर माग ताल लय ऐसी कल कीर्तन नहीं। यहाँ पर कह रहे हैं कहते इंद्रिय तर्पणमय कीर्तन हरि कीर्तन नहीं, कहते केवल अपना इंद्रियों को तर्पण, केवल अपना इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जो कीर्तन है, कहते इसको कीर्तन नहीं करते, में अपना सुख के लिए नहीं, किसके लिए करनी चाहिए, भगवान के सुख के लिए कीर्तन, भगवान के सुख के लिए करनी चाहिए। जैसे बढ़िया सुर मान ताल लय है, अगर यही केवल कीर्तन नहीं, इसलिए कहते हैं वस्तु वैशिष्ट अपेक्षण वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षण, इसलिए जहाँ पर बढ़िया सुर मान ताल कीर्तन होना जरा मन लग जाता है, मन लग जाता है, फिर जहाँ पर जिसके गला ठीक से गए नहीं है, ठीक से गा नहीं पाते, सुर नहीं ताल नहीं, लेकिन क्या कीर्तन कोई सुर मान ताल नहीं, लेकिन जो रुचि अवस्था में जिनकी अवस्थिति हो गई, कहते वो लोग ये चीज़ को नहीं कह सकते। जैसे ठाकुर जी कहीं सुंदर श्रृंगार किया, ठाकुर को बड़ा सुंदर सजाया, ठाकुर को तभी जाते, तभी हम दर्शन करने के लिए जाते, जैसे कल पाखे भी आके हरियाल की लाख करोड़ लोग आए होंगे, कितने लोग आए होंगे दर्शन करने के लिए, इसलिए जिस समय ठाकुर को श्रृंगार सुंदर हो बढ़िया हो, उस समय क्या सुंदर, अगर ठाकुर का ऐसे जैसे कपड़ा मैंने क्या ठाकुर सजाया ऐसे ठाकुर, लेकिन जब सुधा भक्त कभी ये चीज़ को अपेक्षा
नहीं करते हैं, कहीं सजाया नहीं सजाया, कभी वो प्रेम रूपी अंजल लगा करके तो ठाकुर जी को, जैसे श्री सूरदास जी को है एक समय ठाकुर पर नंगे ही नंगे रख दिए, कपड़ा नहीं बनाया, बेटल नाथ ने देखा ये रोज रोज जो ठाकुर का श्रृंगार करते हैं क्या सचमुच से दिखता है ना, दिखता नहीं, जैसे श्रृंगार पर विजय बोल देते हैं, बोले एक दिन पूरा नंगे रखे रख दीजिए, गले में एक मोती की माला डाल दिया, बोले गोसाई जी बताओ आज ठाकुर जी की श्रृंगार कैसे, बोले आज देखा हूँ हरी नंगम नंगे, आज तक ठाकुर जी पूरा नंगे ही नंगे, लेकिन नंगे नंगे होने पर भी कहते माधुर्य की उठा तक तरंग, आज तो ठाकुर जी इतने सुंदर माधुर्य की तरंग लहर लहर रहा है, ठाकुर जी में इतने ठाकुर जी सुंदर है, इसलिए यहाँ पर कहते हैं केवल मान, इसलिए श्रील प्रभु का जब वो अप्रकट से पहले तब एक भजन सुनना चाहते हैं, एक भजन सुनना चाहते थे, इन्हें प्रभुपाद है ये भजन सुनना चाहते थे, जब चाहते कोई एक भक्त आकर के जो बढ़िया गाते उन्होंने सुना के लिए चाहे नहीं हमें और दूसरे उनसे सुनना चाहते हैं, हम मात लय ताल में सुनना चाहते, हम तो सुनना चाहते जिनके हृदय में भगवान के प्रति भाव है, जो व्यक्ति केवल सुर ताल लय नहीं जिसके हृदय में भाव है उनसे मैं सुनना चाहता हूँ, आप उनको बुलाओ, आप उनको बुलाओ, बोले तुम ये भजन बुलाओ, इसलिए केवल मान सुर ताल लय है, जैसे श्री श्रीवास पंडित एक पंडित देवानंद पंडित कथा कर रहे थे, देवानंद पंडित कथा कर रहे थे, बड़ा विद्वान थे, उनके बहुत सारे शिष्य लोग थे, उनकी बहुत सारे शिष्य लोग थे, बैठ करके कथा सुन रहे थे, इतने में श्रीवास पंडित आए, तो श्रीवास पंडित आए तब उन्होंने एक श्लोक उजागर किया, कौन सा श्लोक, अभी कृष्ण कितने सुंदर है, है? ये श्लोक में कैसे कृष्ण मौर को धारण करके रखते, गले में कैसे वैजयंती की माला, दो कान में एक कान में कैसे कनियर फूल, कैसे कृष्ण सुंदर मीठी मीठी बंसुरी बजा रहे हैं, कैसे पिता पर शरीर में चमक रहे हैं, जैसे काल वेग में से स्थिर विद्युत कैसे चमक रहा है, कृष्ण है कृष्ण की चरण स्पर्श पाकर की कैसे घास नहीं घास रूप में ये वृंदावन का शरीर कैसे रोंगट हो रहे हैं, जो पानी की झरना बह रहे बोले झरना नहीं कैसे वृंदावन प्रेम से आत्मों से आंसुओं का विसर्जन करना, खुद बड़ा कृष्ण जब सखाओं के साथ में वृंदावन में प्रवेश करते हैं, सखा लोग बोले जय कन्हैया लाल की जय, ऐसे जय जयकार करते, ये श्लोक को सुनते ही कृष्ण की माधुरता श्री श्रीवास पंडित तो वहाँ पर लौट पर उठाने लगे, वहीं पर और लौट पर उठाने लगे, फिर देवानंद पंडित वेद पंडित बड़ा पंडित, फिर हृदय में कोई रस ही सूखा रस है, हृदय में कोई भाव ही नहीं, लेकिन वो पान कर रहा था, लेकिन ये सुनकर के प्रेम में लौट पर उठाने लगे, इतने में शिष्य लोग ने कहा कहाँ से आ गया है, कितने सुंदर कथा हो रहा है और ये बीच में रोने लग गया लौट पर, इतने में श्रीवास पंडित देवानंद पंडित गए उसको निकाल दो उत्पाद में, ये उत्पाद को निकाल दो यहाँ से, और वहाँ से उनको पकड़ करके निकाल दिया, लेकिन महापुर तो सर्वत तक हम सब जानते थे, इसलिए उन्होंने देवानंद पंडित को दंड प्रदान किया, फिर तुमने हैं तुमने मेरे भक्तों को तुमने निकाल दिया कथा से, हैं
मेरे भक्तों को निकाल दिया, इसलिए हमें जो देवाकृत गौड़ी पट है ना, कहते उन्होंने भागवत में फाल कर कही नहीं, पर जिस भागवत में भक्ति की महिमा नहीं, जिसको भक्ति युक्त जो पाठ नहीं करते हैं, ये तो भागवत पाठ करना नहीं करना बराबर है। इसलिए जो प्रेमी की जो भक्त हैं ये तो क्या करते हैं, भले सुर ताल माल लय कुछ नहीं हो, लेकिन केवल उनकी महिमा उनकी माधुरता को सुन करके तो प्रेमी बेहोश हो जाते हैं, नाचने लग जाते हैं, लोट को उठाने लग जाते हैं। इसलिए केवल मान ताल लय है, केवल यही कीर्तन करो, कीर्तन नहीं। इसलिए मेरे मेरे गुरु जिस भक्ति में संत गुरुस्वामी महाराज जी बोलते थे, मेरे गुरुदेव भी बोलते थे, बोले देखो जिस समय कीर्तन करते हैं ना, जितना उसमें ध्यान है उससे ज्यादा ध्यान दो तो कीर्तन में क्या बोल रहे हैं। कई लोग क्या होता है, कीर्तन करते 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 कीर्तन में ऐसी भी करते हैं, डूबते हैं, वो कीर्तन क्या बोलता है ना उसमें ध्यान नहीं देते, केवल उसमें ताल लय और उसमें बज रहा मृदंग कैसे बज रहा है उसमें ही ध्यान देते हैं। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते थे भक्ति विनोद ठाकुर ने जो कीर्तन लिखा है, कहना वेद पुराण भागवत ढूंढ करके भी हमें मिलना कठिन है, मेरे गुरुदेव कहते थे हमें ढूंढ करके मिलना भी कठिन है। उन्होंने ऐसे ऐसे कीर्तन लिखा, उन्होंने जब गोपीनाथ मम निवेदन सुना, हमें विषय भोजन सदा काम रत किछो नाही मर गुना, गोपीनाथ दिय कर चरण स्थान है, गोपीनाथ हमी तो कामे रे दास है, गोपीनाथ तुम्हें कृपा पारावार। उसमें इतने सुंदर सुंदर उन्होंने भाव दिया, अद्भुत भाव दिया। अगर आप वेद पुराण भागवत ढूंढेंगे ना, हमें ये सब चीज नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। उन्होंने साधक का हृदय को पूरा उन्होंने बाहर निकाल कर रख दिया। इसलिए श्री बाबा गोस्वामी महाराज कहते थे, कहते साधो को रोज ये कीर्तन करनी चाहिए, रोज ये कीर्तन करनी चाहिए। और बोले क्यों, बोले हमारे हृदय में काम क्रोध लोभ है ना, कभी हम खुद नहीं छोड़ सकते, लेकिन अगर ये कीर्तन करेंगे ना, हम ही तो काम ही दास देना, हम तो काम का नौकर दास बन गया है ना, जीवर कारण आसिया प्रपंच झीला कैले सुखी सारा, तो जीवों के कल्याण करने के लिए जगत में आए गोपीनाथ मम निवेदन सुना है। वो कहते थे कि कीर्तन को हर साधु को ये कीर्तन रोज करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो हृदय में जो काम क्रोध गति चीजें ना, उसमें पूरा पूरा इसने उन्होंने खोल करके उन्हें सामने रख दिया, कभी ये कीर्तन रोज करिए कीर्तन को, तभी भगवान के हृदय से जब रो रो कर प्रार्थना करेंगे तभी हृदय से अनर्थ जाएगी, फिर भजन कर सकते हैं। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते थे भक्तिमत ठाकुर जो कीर्तन लिखा, बोले उसका अगर एक लाइन कोई कहते उसका एक लाइन कोई जीवन में उतार दे ना, जीवन बन जाए, केवल एक लाइन, केवल एक लाइन। जैसे देखो भक्तिमत ठाकुर जो कीर्तन है, बोले आत्मनिवेदन वापति करी आइनो परमा सोती दुख दुर्गला चिंता न रहिला चौधी के आनंद देखी। देखो अगर इतना अगर जीवन में कोई उतार लिया तो बस उतार, बोले प्रभु अब तक तो हम बड़े दुखी हो चुके, बोले क्यों, बोले चूंकि आपका चरण नहीं है, शरण में नहीं आया, लेकिन जब से आपकी शरण में आ गए, जब से आपकी शरण में आ गए, आपका चरण में आत्मनिवेदन कर लिया, अभी तो हम सुखी सुखी है। बोले चौधरी के आनंद देखी, मतलब चारी तरफ में आनंद ही आनंद दिख रहा है, चारी तरफ में आनंद ही आनंद है। बोले क्यों, बोले अशोक अभय अमृत आधार तुम्हारे चरण दो, आपका चरण में तीन चीजें, बोले कि अशोक एक अभय और एक अमृत है, जहाँ शोक नहीं जहाँ भय नहीं जहाँ अमृत तुम्हारी चरण में। इसलिए अशोक अभय अमृत आधार तुम्हार चरण धोए ताहत एक पर विश्राम लग जा सारी भव।
अभी आपका चरण में